Very good evening to all of you. I welcome our members of Teacher Educators Online Community in this Pandit Madan Mohan Malviya Education Lecture Series cum webinar. Today is the first lecture of this series. And in previous pandemic lockdown, you are beneficiaries, you are contributor of our online teaching learning programs. आप सभी जितने भी लोग हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हम सब पहले से ही एक परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं. धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, और जुड़ेंगे. आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ, आप पहले से भी जानते हैं, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा सर हैं, जो कि टीचर एजुकेशन फील्ड के जाने माने विद्वान हैं. हम सब पहले भी उनको सुन चुके हैं. उनका मैं इस कार्यक्रम में, इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं. सर, आपका हार्दिक स्वागत है. साथ ही हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक सचिन वर्मा जी हैं, जो धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य हैं. प्रोफेसर मिश्रा सर का एक परिचय देने का मुझे अवसर मिला है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर का जब के बारे में जब पढ़ रहा हूँ, या मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि हम सब यंग टीचर एजुकेटर किस तरीके से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं. डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा इज ए प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ. ही हैज प्रीवियसली बीन डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन and head department of education. His research specializations are teacher education, educational technology, and vocational education. Dr. Mishra has received several prestigious international research scholarships that includes Commonwealth Academic Fellowship of CSC UK, doctoral and Senior Research Scholarship of DAAD Germany, Erasmus Mundus Visiting Scholarship of European Commission, National Scholarship of Slovak Republic, Masab Scholarship of Israel Government, and Research Exchange Scholarship of FMSH France. Dr. Mishra also served as a visiting scholar at Aarhus University's School of Education, Copenhagen, Denmark in 2009 for the International Masters in Lifelong Learning, Policy and Management Program. He has to his credit many publications in journals of international repute, authored 2 books, completed research and development projects, and developed educational media programs. He is also a member of several committees of the National Council for Teacher Education and different universities, institutions. He is also a member of different organizations like IPDA UK, DSA UK, IA India, AIATE India, and FITE India. His academic visits include Germany, United Kingdom, France, Denmark, Netherlands, Sweden, Spain, Slovakia, Austria, New Zealand, Vietnam, Malaysia, Israel, and Japan. So, दोस्तों, आपने देखा कि सर का जो अनुभव है
शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, हम सभी टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी के सदस्यों के रूप के लिए, और विशेष रूप से हमारे जो विद्यार्थी हैं, जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही एक उपयोगी व्याख्यान होने वाला है। सर से हमारी चर्चा हुई कि सर, शिक्षक शिक्षा में जो बेसिक्स हैं इसको हमारे बच्चे समझें, चाहे वो बीएड के विद्यार्थी हों, डीएलएड के विद्यार्थी हों, हमारे एमएड के विद्यार्थी हों, या जो हमारे रिसर्चर्स हैं एजुकेशन के फील्ड में, उन सबको कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट इज टीचर एजुकेशन, उसको जानना, उसको समझना। तो सर ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर का हृदय से, व्यक्तिगत रूप से, और इस पूरे टीचर एजुकेटर्स जो परिवार है हमारा फेसबुक पर या और भी जितने मंच हैं उन सब पर, उनकी ओर से सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सर को मैं बिना किसी देर किए आज के व्याख्यान के लिए, जो कि आज का इस पूरी श्रृंखला का पहला व्याख्यान है, मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे कार्यक्रम से 100 से अधिक विद्यार्थी जुड़ गए हैं, धीरे धीरे और जुड़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। सर आपका स्वागत है, कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें। बहुत धन्यवाद। सुनू मेरी आवाज आ रही है? सुनू? हाँ, आपकी आवाज सर स्पष्ट है। जिनकी स्मृति में इस व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है, ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सत्सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सोमू सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सृजन किया, टीचर एजुकेटर कम्युनिटी, और इसमें इस परिचर्चा का आयोजन किया और मुझे उन्होंने इसमें भाग लेने का मौका दिया। सभी प्रतिभागियों को भी अभिवादन करता हूँ। और डॉक्टर सोमू सिंह का से जब चर्चा हो रही थी कि हम बात करें तो किस विषय पे बात करें, और चूंकि इस समूह का नाम ही है शिक्षक शिक्षा समूह, तो ऐसा तय पाया गया कि क्यों ना शिक्षक शिक्षा पे चर्चा की जाए, और शिक्षक शिक्षा को समझने की, समग्रता से समझने की कोशिश की जाए कि ये है क्या। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम शिक्षक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो बात है नहीं। कई बार हमको लगता है लेकिन बहुत सारी चीजें हमसे ओझल रह जाती है, हमसे परे रह जाती है। तो शिक्षक शिक्षा को सरल शब्दों में समझने की जरूरत है। और मैं इस व्याख्यान में लगभग 55 मिनट का समय है और आपके साथ शिक्षक शिक्षा पे चर्चा करूंगा कुछ प्रश्नों के माध्यम से, और एक एक करके हम देखेंगे कि शिक्षक शिक्षा है क्या। लेकिन शिक्षक शिक्षा से पहले थोड़ी सी बात शिक्षक की करनी जरूरी है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षक की बहुत महत्ता रही है, शिक्षक की बहुत महिमा रही है, और शिक्षक पे जितना कुछ भारतीय साहित्य में मिलता है शायद ही अन्य किसी देश के साहित्य में उतनी बात होती हो। और भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षक को लेके कहा गया कि सात समुद्र की मसी करूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं गुनगुन लिखा न जाए। बहुत आप देखें पूरा साहित्य भरा है शिक्षक की महिमा से। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं कहता हूं भारत शिक्षकों का देश है। जब मैं कहता हूं भारत शिक्षकों का देश है तो मैं आंकड़ों की दृष्टि से कहता हूं, संख्यात्मक दृष्टि से कहता हूं। अगर आप यू डाइस पे जाएं, यू डाइस का आंकड़ा बताता है कि भारत में विद्यालय शिक्षा में 94 लाख शिक्षक हैं, 94 लाख से थोड़ा ज्यादा ही है। और अगर आप ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को देखें तो वो कहता है कि भारत में उच्च शिक्षा के शिक्षकों की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। तो 94 लाख से ज्यादा विद्यालयी शिक्षक और 14 लाख से ज्यादा उच्च शिक्षा के शिक्षक, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 1,08,00,000 शिक्षक हैं भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। इसमें वो शामिल नहीं है जो निजी तौर पे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उनकी संख्या इसमें नहीं है।
और जब मैं देखता हूं कि दुनिया में देश हैं कितने हैं और उनकी आबादी कितनी है, तो अगर 235 देश हैं दुनिया में, तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारत की दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से के आसपास से कम है। यानी भारत में जितने शिक्षक हैं उससे कम आबादी वाले 150 देश हैं। 1.8 करोड़ शिक्षक भारत में है और दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जिसमें 1.8 करोड़ से कम की पॉपुलेशन है, कम की जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या शिक्षकों की है तो भारत में स्वाभाविक है कि शिक्षक शिक्षा पे चर्चा की जाए, की जानी चाहिए, और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो शिक्षक शिक्षा को हमको समझना है, और इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने का तरीका क्या हो सकता है। मैंने इस पर विचार किया तो मैंने कहा मैं छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने आता हूं और उन प्रश्नों के माध्यम से कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि शिक्षक शिक्षा क्या है। अगर मैं पहला प्रश्न लूं तो मैं इसको कह सकता हूं, डू वी नीड टीचर एजुकेशन, हमको क्या शिक्षक शिक्षा की जरूरत है। अभी भी दुनिया में, अभी भी भारत में, दुनिया में भी और भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे मत वो कहते हैं, बहुत से तर्क भी देते हैं कि पहले भी शिक्षक होते थे उनको तो कोई शिक्षक शिक्षा नहीं दी जाती थी, और शिक्षक शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर्स आर बोर्न, लोग तो जन्मजात शिक्षक होते हैं। बात ठीक है लेकिन ये पूरा सच नहीं है, शिक्षक शिक्षा की जरूरत है। हाँ ये बात सही है कि पहले ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो विद्वान है, और जो विद्वान है वो स्वाभाविक रूप से शिक्षक हो सकता है। अरस्तु ने भी कहा कि व्यक्ति की विद्वता की पहचान ये कि वो कितने अच्छे से अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे इस विषय में आने वाले जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, ये पाया जाने लगा कि खाली विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमको शिक्षक शिक्षा की जरूरत है। खाली विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, और जो पुराना सिस्टम था जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि क्या पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं था? था, लेकिन उसके तरीके अलग थे। प्रशिक्षण तो तब भी था, मोनोटोरियल सिस्टम था, गुरु देखता था किस विद्यार्थी में शिक्षक बनने की योग्यता है, उसको अलग से सिखाता था, अलग से समझाता था। लेकिन हाँ उस समय इस तरह से शिक्षक प्रशिक्षण नहीं था, शिक्षक शिक्षा नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं, लेकिन थी तो सही। और अगर हम इतिहास को खंगालें तो 16वीं सदी में 1559 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एक राजाज्ञा जारी करती है कि अगर किसी को टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो उसको एक बिशप से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बिना सर्टिफिकेट के टीचर नहीं बन सकता, और उस सर्टिफिकेट की शर्तें हैं। और उसके बाद 18वीं सदी के शुरू में हेले में नॉर्मल स्कूल खुल जाता है टीचर ट्रेनिंग के लिए, और भारत में भी 1793 में टीचर ट्रेनिंग के लिए स्कूल, नॉर्मल स्कूल पहला खुलता है। और भारत में जब आजादी होती है तो 650 से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग के संस्थान रहते हैं, 42 संस्थान रहते हैं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, लगभग 40,000 से ज्यादा उसमें प्रशिक्षणार्थी हैं। तो शिक्षक शिक्षा की जरूरत तो है, खाली विषय से हम पढ़ाएंगे, खाली विषय से जानकारी दे देंगे ये पर्याप्त नहीं है। विषय के साथ साथ अब बहुत कुछ है, और आज के समय में
जब विषय यानी कंटेंट तो उपलब्ध है, कंटेंट तो शिक्षक के अलावा उपलब्ध कराने वाले बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन विद्यार्थी के अंदर जो है उसका विकास, उसका डेवलप करना, विद्यार्थियों की मदद कैसे की जाए, और तरह तरह के देश और परिवेश से आने वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग जगहों से आने वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग मानसिकता से आने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी जिंदगी में उजाला कैसे लाया जाए, उनको भविष्य के लिए तैयार कैसे किया जाए, इसलिए जरूरत है टीचर एजुकेशन की। और ध्यान रखिए कि जो और प्रोफेशन है और टीचिंग का प्रोफेशन है, दोनों में फर्क है। और प्रोफेशन डायरेक्टली सर्व करते हैं व्यक्ति को, एक डॉक्टर है वो मरीज की का इलाज करता है, लेकिन टीचिंग विद्यार्थियों को सोसाइटी को सर्व करने के लिए तैयार करता है, कि मैं अपने विद्यार्थी को सिखाता हूं और वो फिर उसी में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई सिविल सेवा में जाता है। तो मैं समाज की सेवा के लिए, यानी शिक्षक समाज की सेवा के लिए विद्यार्थी को तैयार करता है। तो ये काम हमको शिक्षक को बहुत सारी उसकी जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए उसको इस विधा से परिचित कराया जाना जरूरी है। और जरूरी है तो फिर अगला सवाल ये कि वाई टीचर एजुकेशन, अगला सवाल मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा, वाई टीचर एजुकेशन मैटर्स, शिक्षक शिक्षा महत्व क्यों रखती है। हमने पहले ये बात की कि शिक्षक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन फिर अगला सवाल ये कि वाई टीचर एजुकेशन मैटर्स। जी हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर लिंडा डार्लिंग हैमंड, बहुत काम है उनका टीचर एजुकेशन में, मौका लगे तो उनके लेख पढ़िए। और वो लिखती हैं, अपने पेपर में लिखती हैं कि टीचर एजुकेशन मैटर्स करती है, टीचर एजुकेशन की जरूरत है। कहती हैं, एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज इट्स डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एबिलिटीज टू एग्जामिन टीचिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर्स हु ब्रिंग डाइवर्स एक्सपीरियंसेस एंड फ्रेम्स ऑफ डिफरेंस टू द क्लासरूम। टीचर्स एबिलिटीज टू एग्जामिन टीचिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर। हर विद्यार्थी अनूठा है और हर विद्यार्थी को उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, और इसलिए शिक्षक शिक्षा की जरूरत है। आमतौर में एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि उच्च शिक्षा में तो जरूरत नहीं है, उच्च शिक्षा में नहीं, मेरा मानना है उच्च शिक्षा में भी जरूरत नहीं है, उच्च शिक्षा में भी जरूरत है। ये अलग बात है कि हम उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं। वहां पे हम शिक्षक शिक्षा में, वहां पे हम प्रोफेशन में आ जाने के बाद शिक्षक शिक्षा लेते हैं, हम विद्यालय शिक्षा में प्रोफेशन में जाने से पहले शिक्षक शिक्षा लेते हैं, लेकिन वहां भी शिक्षक शिक्षा की जरूरत है। और दुनिया में बहुत सारे शोध हैं जो कहते हैं कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों को भी अगर व्यवसाय में आने से पहले शिक्षा दी जाए शिक्षण की, तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी बहुत सारे शोध हुए हैं। खैर, मैं इस पे और आगे नहीं जाता। तो टीचर एजुकेशन मैटर करती है, टीचर एजुकेशन की जरूरत है। और क्यों जरूरत है, भारतीय साहित्य भी कहता है इसको। जब हम ये कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़, यानी पोथी पढ़ पढ़ बुक कंटेंट, कंटेंट तो हमें बताना ही बताना है, लेकिन जब ढाई आखर प्रेम की जो बात है, हम टीचर एजुकेशन में वो भी सीखते हैं। बच्चे से स्नेह कैसे करना है, बच्चे के चेहरे पे खुशी कैसे लानी है, बच्चे की योग्यताओं का विकास कैसे करना है, उसकी रुचियां कैसे समझनी है, किस तरीके से सीखने में आनंद आएगा इसको कैसे समझना है, उसके मन की कैसे करनी है, उसके मन की बात कैसे सुननी है। ये खाली विषय का मामला नहीं है। और देखें, नया गाना भी है, नई पीढ़ी के बच्चे इसमें बहुत होंगे कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। किताबें कंटेंट नॉलेज, और चेहरा तुमने पढ़ा है, हम बताते हैं टीचर एजुकेशन में, हम बताते हैं
कि टीचर एजुकेशन में कि चेहरा कैसे पढ़ा जाए। चेहरा पढ़ने का अर्थ यहाँ क्या, उसके मन की बात जान जाए। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की जो कंसेप्ट है, जो फलसफा है, वो सिखाते हैं, वो बताते हैं, तो टीचर एजुकेशन मैटर करती है। और बहुत सारी रिसर्च हुई है जिन्होंने ये कहा कि खराब प्रशिक्षण पाए हुए शिक्षक भी प्रशिक्षण ना पाए शिक्षकों से बेहतर करते हैं अपने बच्चों में, ऐसा शोध भी है। तो शिक्षक शिक्षा की जरूरत तो है। दूसरा सवाल ये, अब तीसरे सवाल पर अगर हम चलें, तो तीसरा सवाल ये कि टीचर एजुकेशन क्या है, किसको कहेंगे टीचर एजुकेशन। और मैं टीचर एजुकेशन की परिभाषा देख रहा था तो मैंने कहा क्यों ना हम अपनी संस्था की परिभाषा की बात करें। बहुत सारी परिभाषाएं हैं टीचर एजुकेशन की जो दी गई, जिसमें हम अपनी संस्था मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का एक्ट 1993 वो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसमें टीचर एजुकेशन को क्या कहा गया, कहा गया टीचर एजुकेशन मीन्स प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च आर ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स फॉर इक्विपिंग देम टू टीच एट प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस इन स्कूल्स एंड इंक्लूड्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन, पार्ट टाइम एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस एजुकेशन। टीचर एजुकेशन मीन्स प्रोग्राम्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च आर ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स फॉर इक्विपिंग देम टू टीच, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मानती है कि शिक्षक शिक्षा का अर्थ है शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के वो कार्यक्रम जो व्यक्तियों को विद्यालय यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पर पढ़ाने के लिए तैयार करें। और इसमें उन्होंने कहा, एनसीटी कहती नॉन फॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा भी शामिल है, पार्ट टाइम शामिल है, एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है और दूरस्थ शिक्षा भी शामिल है। यानी भारत में एनसीटी शिक्षक शिक्षा को मानती है कि ये विद्यालय शिक्षा तक केंद्रित है, यानी इसका क्षेत्र पूर्व प्राथमिक से लेके उच्चतर माध्यमिक तक होगा। और इसके लिए इसमें लोगों को पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, शोध संबंधी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, और उन कार्यक्रमों की प्रकृति औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, एडल्ट एजुकेशन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं और करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। तो सरल अर्थों में शिक्षक शिक्षा क्या है, वो स्ट्रक्चर, वो इंस्टीट्यूशन और वो प्रक्रियाएं जो किसी को शिक्षक बनने में मदद करें, यानी वो ढांचा, वो संस्थान और वो प्रक्रिया, तीनों को अगर जोड़ दें जो मुझको शिक्षक बनने के लिए तैयार करे। अगर मैं एनसीटी की परिभाषा के आलोक में देखूं तो जो मुझे तीनों स्तर पर शिक्षक बनने के लिए तैयार करे उसको कह सकते हैं कि ये शिक्षक शिक्षा है। यानी शिक्षक शिक्षा में तीन चीजें शामिल हो गई, स्ट्रक्चर, ढांचा, संस्थान और प्रक्रिया। ये तीन को हम शामिल कर दें तो फिर शिक्षक शिक्षा बनती है। और शिक्षक शिक्षा की जब बात होती है तो इस पे भेद है। कई देशों में शिक्षक शिक्षा को सिर्फ विद्यालय शिक्षक तक सीमित नहीं रखा गया, उच्च शिक्षक तक भी ले जाया गया, लेकिन हमारे देश में एनसीटी कहती है शिक्षक शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा तक है। अब अगले सवाल पे चलें इससे आगे, तो कि इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य बताए जाते हैं। मैं एक पेपर पढ़ रहा था, मेरे हाथ लगा, अच्छा पेपर है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पेरेटन का है, टीचर एजुकेशन द रोल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, 2010 में प्रकाशित हुआ। पेरेटन शिक्षक शिक्षा के रोल को, शिक्षक शिक्षा की भूमिका को, उसके उद्देश्य को बड़ी खूबी से चार हिस्सों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि इसके चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, इंप्रूविंग द जनरल एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेनी टीचर। जनरल एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेनी टीचर, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षु हैं
उनकी जो सामान्य शैक्षिक योग्यता है, सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि है, उसको बेहतर करना पहला उद्देश्य है। पेरेटन कह रहे हैं 2010 में, और मैं सहमत हूं इससे। दूसरा, इंक्रीजिंग देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स दे आर टू टीच। उन्हें जो विषय पढ़ाना है उसका बेहतर ज्ञान देना, उसकी बेहतर समझ विकसित करना। और अभी अभी मैं आगे आऊंगा, जो आजकल हम 4 साल के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट साथ में है और उसकी पेडागोजी साथ में है। यानी दूसरा उद्देश्य हो गया टीचर एजुकेशन का कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाने के लिए, जिस विषय को पढ़ाने के लिए वो जाने वाले हैं, उस विषय की का ज्ञान उनको प्रदान करना और उस विषय की बेहतर समझ देना, दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा कह रहे हैं पेडागोजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड लर्निंग। पेडागोजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड लर्निंग, पढ़ाते कैसे हैं, और फिर वही बात, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन को यानी विद्यार्थी को समझना, अधिगम प्रक्रिया को समझना, ये हम सिखाते हैं शिक्षक शिक्षा में, इसका उद्देश्य। एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड कंपोनेंट, उनके अंदर व्यावसायिक कौशल और दक्षता विकसित करना। पेरेटन कह रहे हैं कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी शिक्षक शिक्षा दी जाए, वो मुख्य रूप से इन 4 के इर्द गिर्द घूमती है कि विद्यार्थी की सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि को बेहतर करना, उसको विषय की ज्ञान और समझ उसमें प्रदान करना। शिक्षण कैसे किया जाता है, विद्यार्थी क्या होता है, अधिगम कैसे होता है, इसकी समझ विकसित करना, और इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई तकनीकी योग्यताएं और कौशल उत्पन्न करना। और ये कह रहे हैं पेरेटन कि इसका दायरा, इसका अनुपात, कौन सी चीज ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, ये तो बदल सकता है अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग देशों में, इसमें तो बदलाव होता है, लेकिन ये 4 मुख्य रूप से रहते हैं, ऐसा पेरेटन ने कहा। अब अगले सवाल पे आए हैं कि टीचर एजुकेशन के दायरे में कौन आता है, टीचर एजुकेशन के का कवरेज क्या है, क्षेत्र क्या है, और टीचर एजुकेशन के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो टीचर एजुकेशन, जैसा मैंने पहले ही कह दिया आपको कि भारत में टीचर एजुकेशन की हम जब भी बात करते हैं तो वहां पर टीचर एजुकेशन से आशय है विद्यालयी शिक्षा, यानी उन शिक्षकों को तैयार करना, उन शिक्षकों को प्रशिक्षित, शिक्षित और प्रशिक्षित करना जो विद्यालय शिक्षा तक पढ़ाएंगे, यानी उससे ऊपर की बात को टीचर एजुकेशन में नहीं लाया गया है। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत से देशों में हायर एजुकेशन के शिक्षकों को भी जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो भी टीचर एजुकेशन के दायरे में आते हैं। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो मैं सोच रहा था कि शायद इसमें इस विषय पे चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के शिक्षकों की शिक्षा की बात की गई है, लेकिन उसको टीचर एजुकेशन में थोड़ा सा लाया गया है। जब वो ये कह रहा है कि हर PhD स्टूडेंट को आर्ट क्रेडिट का कोर्स पढ़ना पड़ेगा टीचिंग से संबंधित, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात है, लेकिन पूरी स्पष्टता से नहीं कहा गया। तो फिलहाल अगर मैं भारतीय संदर्भ में देखूं तो टीचर एजुकेशन की जब मैं बात करूंगा, इसके क्षेत्र की बात करूंगा, तो ये अभी भी विद्यालयी शिक्षा तक सीमित है, हायर एजुकेशन को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जो अक्सर हमको परेशान करता रहता है और कई बार विद्यार्थी पूछते हैं इससे, और मुझे लगता है डॉक्टर सोनू से भी पूछते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में अंतर क्या है। और ये बड़ा मौजू सवाल है क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमको टीचर ट्रेनिंग के नाम से भी मिलते हैं और कई बार हम दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक चीज आपको समझनी होगी कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज से हमारा आशय रहता है, यानी ज्ञान को ग्रहण करने से हमारा आशय है। और जब हम
ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहां पर अप्लीकेशन आप नॉलेज है, ये आपको सामान्य समझना है कि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, और जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो जोर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में है। और एक अच्छा अच्छा पेपर है, मैं आपको सामने रखता हूँ, ओनील का है, टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग विच इज इट, 1986 में प्रकाशित हुआ, इंटरनेट पर अवेलेबल है, और मैं चाहूंगा आप उसे पढ़ें अगर आप वाकई समझना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, उसको पढ़िए। बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं ओनील कि एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और मैं उन्हीं के पेपर से तीन पंक्तियां पढ़ता हूं जो हमको ये समझने में मदद करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। ओनील कह रहे हैं, आई कोट, द एक्सप्रेशन टीचर एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। द एक्सप्रेशन टीचर एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। द टर्म ट्रेनिंग इज कन्फाइंड मोर टू वेल आइडेंटिफाइड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज विच रिक्वायर फेयरली स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस, आई अनकोट। ओनील कह रहे हैं 1986 में कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सिद्धांत का भी ज्ञान देते हैं, प्रयोग का भी ज्ञान देते हैं, लेकिन जैसे ही हम शब्द ट्रेनिंग इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जोर स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस पे हो जाता है। यानी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और उसकी व्यक्तिगत सामर्थ्य का भी वो आदर करते हैं और उसको पूरा अवसर देते हैं कि वो अपनी रुचि क्षमता और इच्छा के अनुसार अपना कार्य कर सके, जबकि ट्रेनिंग में हम हर व्यक्ति से एक जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति, हर शिक्षक अपने अपने तरीके से पढ़ाता है, तो अगर मैं ट्रेनिंग के नजरिए से देखूं तो सबको एक तरीके से ही पढ़ाना चाहिए, और इसीलिए शायद इसी बात को देखते हुए स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस, टीचिंग स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस नहीं है, सब एक जैसे डिलीवरी नहीं करेंगे, सब एक जैसे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए टीचर एजुकेशन इज ए बेटर वर्ड। यानी यहां पर ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि जब मैं एजुकेशन कह रहा हूं तो थ्योरी की बात है, प्रैक्टिकल नहीं। नहीं नहीं नहीं, टीचर एजुकेशन में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। कह रहे हैं कि ओनील ने कहा, द एक्सप्रेशन टीचर एजुकेशन इंक्लूड्स बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। हाँ, लेकिन टीचर एजुकेशन में जो अच्छी बात है कि आपको थ्योरी भी बताई गई, आपको प्रैक्टिकल भी बताया गया, और उसको मिला के आपको अपनी कक्षा में इस्तेमाल करना है, अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में मदद करनी है, जबकि ट्रेनिंग में हमने जैसा बता दिया वैसा ही आपको करना है, उसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है, सबसे लगभग एक जैसी अपेक्षा है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल खत्म हो गई, ट्रेनिंग पहला पड़ाव है, लेकिन वाइडर स्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं टीचर एजुकेशन जो ज्यादा मौजू है, ज्यादा प्रासंगिक है, और अब जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं करते। अब अगले सवाल पे चलें, और ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत रोचक होने वाला है, खासकर नए विद्यार्थियों के लिए, कि मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि भारत में तो टीचर एजुकेशन ऐसे दी जाती है, दूसरे देशों में कैसे दी जाती होगी। दुनिया में तीन तरह के मॉडल प्रचलित हैं, दो तीन तरीके के प्रचलित हैं, दो बहुत ज्यादा इसके प्रयोग होते हैं और एक कम, लेकिन तीन मॉडल हैं। तीन मॉडल में जो पहला मॉडल है उसको हम कहते हैं कंकरेंट मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। आप सबने सुना होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसने कहा है कि 4 years बीयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कर रही है।
उससे पहले 2018 और 19 में एनसीटी रेगुलेशन लेके आया इंटीग्रेटेड आईटेप के नाम से, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी 4 इयर्स का है। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इनको आप कह सकते हैं कंकरेंट मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन है। कंकरेंट का मतलब मैं कंटेंट और उसके पेडागोजी यानी विषय और विषय को कैसे पढ़ाया जाएगा दोनों साथ साथ पढ़ूं, यानी वो पाठ्यक्रम शिक्षक शिक्षा का वो मॉडल जहां एक तरफ मैं विषय पढ़ रहा हूं और उसी समय इस विषय को मुझे दूसरों को कैसे पढ़ाना है ये पढ़ रहा हूं, दिस इज कंकरेंट मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। और ये जो प्रोग्राम है 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, या जो 2014 के रेगुलेशन से चल रहा है बीएससी बीएड बीए बीएड, दिस इज बेस्ड ऑन कंकरेंट मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। जो विषय भी साथ में पढ़ना है, विषय को कैसे पढ़ाना है ये भी साथ में पढ़ना है, कंकरेंट मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। सेकेंड मॉडल इज कंसेक्यूटिव मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। कंसेक्यूटिव मॉडल, पहले विषय पढ़ लिया और विषय पढ़ने के बाद ये पढ़ा कि विषय को पढ़ाते कैसे हैं, जो हमारा 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। पहले विषय पढ़ेंगे फिर विषय को पढ़ाते कैसे इसको पढ़ेंगे। और एक तीसरा मॉडल भी है जो बहुत चुनिंदा देशों में है, चुनिंदा संस्थाएं उसका इस्तेमाल करती है, दैट इज कनेक्टेड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। कनेक्टेड मॉडल क्या है कि मैं कोई और विषय पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं शिक्षक बनूं या मेरा मन हो सकता है, तो मुझको ये सुविधा मिलती है कि मैं शिक्षक शिक्षा का भी कुछ पाठ्यक्रम में कुछ कोर्सेज कर लूं, कुछ उसकी ट्रेनिंग में हिस्सा ले लूं, मतलब मुझको एक लिबर्टी रहती है, पास मिला रहता है और मैं वो उस प्रोग्राम को करता हूं, और अगर मुझे रुचि हो तो मैं आगे उसको ज्वाइन कर सकता हूं, अपनी अपने शिक्षण के बीच में भी ज्वाइन कर सकता हूं। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और जिस तरह का ढांचा इसमें प्रपोज किया गया है, मुझे लगता है कि ये एक अवसर है, हम कनेक्टेड प्रोग्राम भी सोच सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा स्कोप है। तो दुनिया में 3 मॉडल, कंकरेंट मॉडल और कंसेक्यूटिव मॉडल, कनेक्टेड तो बहुत थोड़े हैं। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि कौन सा मॉडल अच्छा है, ये कंकरेंट मॉडल अच्छा है या कंकरेंट मॉडल अच्छा है, और कौन सा मॉडल ज्यादा चलता है। और तो दुनिया में दोनों तरह के मॉडल चलते हैं, कंसेक्यूटिव भी चल रहा है, कंकरेंट भी चल रहा है। अगर यूरोपियन आप कंट्रीज में जाएं तो वहां कंकरेंट मॉडल चल रहा है, यूके में जाएं तो वहां कंकरेंट भी है लेकिन साथ ही साथ आपको कंसेक्यूटिव मॉडल भी खूब मिलेगा। देखिए, हम साथ में पढ़े, रिसर्च है, दोनों के पक्ष में अपनी रिसर्चेस है। एक के पक्ष में इस तरह के शोध हैं कि हम साथ साथ जब विषय को और उसको पढ़ाने का तरीका सीखते हैं तो हम बेहतर सीखते हैं, और जो इस समय हमारे यहाँ नीति बनाने वाले हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 साल का प्रोग्राम ही सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो कंसेक्यूटिव के मॉडल के समर्थक हैं उनका तर्क है कि जब हम विषय को समझते हैं और हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारी ज्ञान क्षेत्र बढ़ता है, और उसके बाद जब हम शिक्षण को समझते हैं, शिक्षण में जाते हैं, तो हम बेहतर करते हैं। मेरा अपना मानना है कि मॉडल बहुत मैटर नहीं करते, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन बट दिस इज माई फर्म ओपिनियन, मॉडल उतना मैटर नहीं करते। विद्यार्थी को सिखाया कैसे गया ये महत्वपूर्ण है, और फिर जिस विद्यार्थी ने जो सीखा उसने वो अपनी कक्षा में कैसे इस्तेमाल किया ये महत्वपूर्ण है। मॉडल ए हो या बी बहुत मैटर नहीं करता। इसलिए कई बार जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि मॉडल बदल दो शिक्षक शिक्षा में, कंसेक्यूटिव से कंकरेंट कर दो तो क्रांति आ जाएगी, तो मैं उसको स्वीकार इतना नहीं करता। खैर, ये एक और विषय हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन आज मेरी कोशिश ये कि मैं शिक्षक शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को रखूं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से 2 मॉडल,
concurrent model of teacher education, consecutive model of teacher education, and there is a third one is connected model of teacher education. अब जो अगला सवाल जिसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ वो ये कि what are the stages of teacher education यानी शिक्षक शिक्षा की स्थितियाँ क्या हैं, और आप सबको पता होगा कि हम शिक्षक शिक्षा को दो तरह से बांटते हैं, दो हिस्सों में देखते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं प्री सर्विस कंपोनेंट, कई जगह उसको इनिशियल टीचर एजुकेशन भी कहते हैं, कई जगह प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कहते हैं, यानी मुझको शिक्षण में आने से पहले मेरी जो मुझको जो शिक्षा दी जाए, जो सिखाया जाए, उसको आरंभिक शिक्षक शिक्षा या पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कहा जाता है, और दूसरी इन सर्विस यानी जब मैं सेवा में आ गया तो कहा जाता है। और आम तौर में जो पुराना हमारा मानना है, पुरानी सोच है, वो हम दो खांचों में बांट देते हैं, प्री सर्विस अलग है, इन सर्विस अलग है, और इनमें आपस में कहीं कोई संबंध नजर नहीं आता। और जो लेकिन हाल फिलहाल में दुनिया में शिक्षक शिक्षा में जो शोध हुआ है उसने कहा कि हमको ये इसको खांचों में नहीं बांटना चाहिए, हमको इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया जो बहुत प्रचलित है, आप सबने भी सुना होगा, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इससे भी आगे अब एक नया शब्द दिया CLPL, कंटिन्यूइंग लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल लर्निंग। हम लगातार सीखते रहें, सतत सीखते रहें, हम सेवा में आने से पहले भी सीखें और सेवा में आने के बाद भी सीखें, और सेवा में जब हम उस तरह की औपचारिक सेवा में ना रहें उसके बाद भी सीखते रहें, दिस इज कंटिन्यूइंग लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल लर्निंग। तो मेरे हिसाब से तो शिक्षक शिक्षा की कोई स्टेज है नहीं, ये तो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन से आपने ये मन बनाया कि मुझको एक शिक्षक बनना है, उसी दिन से ये यात्रा शुरू होती है और आपके जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलती है। लेकिन फिर भी अगर आप सरलीकरण करना चाहें, भेद करना चाहें, खांचों में बांटना चाहें, तो देयर आर टू स्टेजेस, सेवा में आने से पहले और सेवा में आने के बाद। तो ये दो स्टेजेस हैं टीचर एजुकेशन की। उसके बाद अगले पड़ाव पे एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा में शोध की क्या भूमिका है। भारत में शिक्षक शिक्षा में शोध को हमने उस तरह से नहीं लिया जैसा लेना चाहिए। पूरी दुनिया में शिक्षक शिक्षा में शोध की भूमिका को बहुत माना गया है और कहा यह गया कि टीचिंग इज ए रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस है, टीचिंग इज ए रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, यानी शिक्षण में दो चीजें महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु व्हाट टू टीच एंड कंटेंट हाउ टू टीच। कंटेंट तो बहुत नहीं बदलता, कंटेंट तो मेरे आप सबके लिए लगभग एक जैसा ही रहेगा, बट हाउ टू टीच कंटेंट ये बदल जाएगा, विद्यालय के हिसाब से बदल जाएगा, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा, व्यवस्था के हिसाब से बदल जाएगा, नीतियों के हिसाब से बदल जाएगा, पाठ्यक्रम के हिसाब से बदल जाएगा। और यहीं पर शोध की महत्ता है, यहीं पर शोध काम आता है। पूरी दुनिया में शिक्षक शिक्षा में वो पढ़ाया जाता है, वो बताया जाता है जिसको कहते हैं रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस, यानी हम क्या सिखाएंगे अपने प्रशिक्षणार्थी को, वो प्रैक्टिस सिखाएंगे, वो तरीके सिखाएंगे, वो बातें बताएंगे जो रिसर्च से निकल के आई हैं। यानी रिसर्च को, शोध को शिक्षक शिक्षा का अनिवार्य अंग माना गया, या ये कहा गया कि शिक्षक शिक्षा बिना शोध के चलेगी नहीं, यानी ऐसा शोध जो शिक्षक शिक्षा को आगे बढ़ने में मदद करे, हमको अपनी रीतियों और नीतियों को सुधारने में मदद करे। लेकिन हमारे यहाँ जो हम शिक्षक शिक्षा में, पहली बात तो हम शिक्षक शिक्षा में होते हुए भी
और ये मैं पूरी गंभीरता से जो बात आगे कहने वाला हूँ वो कह रहा हूँ, हम शिक्षक शिक्षा में भी होते हुए भी हम शिक्षक शिक्षा पे शोध नहीं करते। और अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आपके विभाग, आपके संस्थान, आपके संकाय में शिक्षक शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षक शिक्षा की प्रैक्टिसेस बेहतर होंगी, शिक्षक शिक्षा के तरीके बेहतर होंगे, शिक्षक शिक्षा का स्वरूप बेहतर होगा, शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम बेहतर होगा, शिक्षक शिक्षा की नीतियां बेहतर होंगी। ऐसा शोध आप गिनिए ना, आपके पिछले 10 साल में आपके विभाग में, आपके संस्थान में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में कहां हुआ, कितना हुआ है, भारत में कितना हुआ है, गिनिए, देखिए कितना हुआ है। हम नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया में शिक्षक शिक्षा में जो शोध होता है वो मूलतः होता है टू इम्प्रूव द सिस्टम, टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। यानी शिक्षक शिक्षा दुनिया में और कहीं शोध की जरूरत हो ना हो, शिक्षक शिक्षा में तो है, क्योंकि हमको प्रैक्टिसेस बदलनी है। हमारा तो लर्नर इस साल जो गया, अगले साल नया लर्नर आने वाला है, नए तरीके की चुनौतियां आने वाली हैं, आज के जो तरीके हैं वो कल नहीं चलने वाले। तो शिक्षक शिक्षा में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको हमको मानना भी होगा और करना भी होगा। तो शिक्षक शिक्षा बिना शोध के नहीं बढ़ सकती, ऐसा है। और पूरी दुनिया में जहां भी शिक्षक शिक्षा आगे बढ़ी है वहां उनका एक ही स्लोगन रहा है, टीचर एजुकेशन इज अ रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस। और अब अपने आखिरी सवाल की तरफ, जिसके माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा, आप सबके मन में वो होगा कि आपने देखा होगा कि भारत में जो अभी हाल फिलहाल में पिछले साल आई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को लेके बहुत खुश नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल होगा, स्वाभाविक होगा, कि जो दुनिया में जिन देशों की शिक्षक शिक्षा व्यवस्था अच्छी है वहां क्या है कि उनकी अच्छी है, और हमारे यहाँ क्या नहीं है जिसकी वजह से अच्छी नहीं है। तो मैं पहले प्रश्न का तो उत्तर दूंगा, दूसरे का तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में ही, पहले उत्तर में दूसरे का भी उत्तर छिपा है कि दुनिया के जो अच्छे शिक्षक शिक्षा तंत्र हैं वो क्या करते हैं, किस तरीके से शिक्षक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं। और मैं फिर प्रोफेसर लिंडा डार्लिंग हैमंड के हवाले से अपनी बात कहूंगा। 2017 में उन्होंने एक बहुत अच्छा पेपर लिखा, टीचर एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल प्रैक्टिस, और ये प्रकाशित हुआ यूरोपियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, और आप इंटरनेट पे देखेंगे तो ये इसकी प्रति आपको मिल जाएगी। और प्रोफेसर लिंडा डार्लिंग हैमंड यूएस की है, और उनकी भी पीड़ा वही है जो यहाँ के शिक्षक प्रशिक्षकों की है, यहाँ की व्यवस्था की है, कि यूएस की शिक्षक शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी और देशों की है, और वो तुलना कर रही हैं। और इस तुलना में उन्होंने आधार बनाया है, 4 देश लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स को लिया है, कैनेडा को लिया है, उसमें से एल्बर्टा और ओंटारियो प्रांत लिए है, फिनलैंड को लिया है, छोटा सा देश है, सिंगापुर को लिया है, 4 देशों को लिया है। और ये देखने की कोशिश की है कि ये 4 देश जिनकी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को भी अच्छा माना जाता है, और स्वाभाविक है शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो शिक्षक शिक्षा भी अच्छी ही होगी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि शिक्षक शिक्षा की, किसी भी शिक्षक की गुणवत्ता वहां के शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के समानुपाती है। तो ये कहती है कि 5 दुनिया के जो अच्छी शिक्षक शिक्षा व्यवस्था वाले देश हैं वो 5 चीज करते हैं, और वो 5 चीज क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, भारत में क्या होता है ये आप देखिए। वो कह रही है कि इन देशों में, इन देशों से मतलब जहां पर शिक्षक शिक्षा बेहतर है वहां पर शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों का चयन बड़े वैज्ञानिक और गहन तरीके से होता है। और कहते हैं कि फिनलैंड में तो शिक्षक बनना सबसे मुश्किल काम में से एक है,
हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता। 3 घंटे की परीक्षा लेके और उसमें भी 5 या 2 या 3 नंबर ला के कोई शिक्षक वहां नहीं बनता। शिक्षक शिक्षा में विषय की भी योग्यता है, उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता का भी परीक्षण है, उसके व्यक्तित्व का भी विश्लेषण है, जिसको कहते हैं नीर छीर विवेक, उसके बाद व्यक्ति का चयन किया जाता है शिक्षक बनने के लिए। हर कोई शिक्षक बने ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है शिक्षक शिक्षा में प्रवेश लेना। और ऐसा नहीं कि भारत में ये कहा नहीं गया, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स जो 1985 का देखिए उसकी रिकमेंडेशन है कि खाली विषय के आधार पर शिक्षक का चयन मत करिए, उसका व्यक्तित्व भी देखिए, उसका संचार कौशल भी देखिए, उसकी मनोवृत्ति भी देखिए, तब उसको शिक्षक शिक्षा के लिए पात्र बनाइए। खैर, तो वो कहते हैं कि जो वहां के शिक्षक शिक्षा है उसमें वहां की जो सबसे अच्छी प्रतिभा है, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, उनको शिक्षक बनने के लिए चयनित किया जाता है। और अच्छी बात है कि वहां सबसे अच्छे विद्यार्थी शिक्षक बनना भी चाहते हैं। उसके बाद अगली बात जो लिखी गई, दैट इज प्रिपरेशन, कि वहां पर जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है इन देशों में आला दर्जे का, उच्च कोटि का, कोई समझौता नहीं, और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस है, विद्यालय के साथ मिलके प्रैक्टिस है, रिगरस प्रैक्टिस है, कहीं कोई समझौता नहीं। क्योंकि वो देश ये मानते हैं हमने अच्छा शिक्षक बना दिया तो हमें और चीज की जरूरत नहीं है, और चीजें वो संभाल देगा। बेहतरीन विद्यार्थियों का चयन है और फिर उनका बेहतरीन प्रशिक्षण है, और बहुत से देश सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, पूरी सुविधाएं देते हैं, और सिर्फ एक ही अपेक्षा करते हैं, आप बेहतर शिक्षक बन के निकलिए। तीसरी बात इस पेपर में लिखी, इंडक्शन। हमारे यहां हम जिस दिन ट्रेन करते हैं बच्चे को छोड़ देते हैं, अब वो नौकरी मिली और नौकरी मिलने के अगले दिन से वो कक्षा में पढ़ाने लगता है, ऐसा नहीं करते दुनिया के बहुत से देश जो अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं, वो इंड्यूस करते धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। जब शिक्षक के रूप में मेरा चयन हो जाता है तो शिक्षक के रूप में मेरे चयन होने के बाद मुझको विद्यालय में ले जाया जाता है, लेकिन मुझे पहले दिन ही कक्षा में नहीं भेज दिया जाता, मैं सीनियर टीचर के साथ रहता हूँ, मेंटर के साथ रहता हूँ, स्लो धीरे धीरे जाता हूँ, पहले उनकी क्लासेस ऑब्जर्व करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर सीखता हूँ, दिस प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। पहले दिन नहीं भेजते उसको, 2-4-6 महीने तो शायद ही कक्षा में पढ़ाने का मौका मिलता हो, लेकिन वो रोज देखता है कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे शिक्षक बात कर रहा है, कैसे विद्यार्थी से, और पढ़ाता भी है तो सुपरविजन में पढ़ाता, इंड्यूस किया जाता है स्लोली स्लोली। उसके बाद चौथी बात, ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये नहीं कि साल में एक ट्रेनिंग कर ली, एक वर्कशॉप कर लिया, दैट्स ऑल, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना है, ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब तक शिक्षक रहेंगे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ऐसी व्यवस्था है, और ये फोर्स नहीं है कि दबाव है कि इतना मुझको करना है, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि हर शिक्षक सीखता है और लगातार सीखता रहता है, अपने अनुभव बढ़ाता रहता है, अपने कौशल बढ़ाता रहता है, अपने ज्ञान बढ़ाता रहता है, लगातार सतत प्रक्रिया, दिस इज पार्ट ऑफ हिज सिस्टम। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीखता है, लगातार सीखता जाता है। तो चार चीज उन्होंने कही कि रिक्रूटमेंट बेहतरीन विद्यार्थियों का चयन करती है ये शिक्षा व्यवस्थाएं, उसको बेहतरीन प्रशिक्षण देती है, उसको इंड्यूस करती है जो शिक्षक बनता है एक प्रक्रिया के तहत, उस ऐसी व्यवस्था करती है कि वो लगातार सतत रूप से सीखता रहे। और जो सबसे अंत में पांचवा बिंदु है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव इंप्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस। मैंने तो अपनी कक्षा में ऐसे पढ़ाया, आपने ऐसे पढ़ाया, मेरे पढ़ाने से ये हुआ, आपके पढ़ाने से ये हुआ, मैं आपसे क्या सीखता हूँ, आप मुझसे, जिसको हम कोलेबरेटिव लर्निंग कहते, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते, कलेक्टिव इंप्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, कि वहां की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक एक साथ मिलके अपने अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं,
सोच के देखेगा हम ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया के अच्छी शिक्षा व्यवस्था वाले शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण वाले देश हैं, शिक्षा में जिनको बहुत सारे रिपोर्ट और बहुत सारे आंकड़े कहते हैं कि वो आगे हैं, तो वो ये पांच चीजें करते हैं। सबसे अच्छे का चयन करते हैं, अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, उसको प्रोफेशन में एक प्रक्रिया के तहत लाते हैं, उसको लगातार उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण होता रहे ये बताते हैं, और वो लोग खुद मिलके कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एक दूसरे से साझा करते हैं। और जब हम अपना ज्ञान एक दूसरे से बांटते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस बांटते हैं, तो दूसरा सीखे या नहीं सीखे हम तो जरूर सीखते हैं, ऐसा होता है। तो अगर आप देखें कि शिक्षक शिक्षा को, अगर मैं जो कुछ मैंने अभी तक कहा और इसको मैं 2-3 मिनट में आपके सामने संक्षेप में रखना चाहूं, तो हमको ये मन से निकाल देना है, बिल्कुल नहीं सोचना कि शिक्षक शिक्षा की उपयोगिता नहीं है। जैसा मैंने कहा, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। मैं उल्टा कहता हूं कि जैसे जैसे जिस तरह से तकनीकी बढ़ रही है, सामाजिक जटिलताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक संबंधों का ताना बाना बदल रहा है, शिक्षक शिक्षा की जरूरत हमको और ज्यादा होती जा रही है। और मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि आज के समय में विद्यार्थी की आखिरी उम्मीद शिक्षक है, क्योंकि उसके परिवार में किसी के पास उसके लिए समय उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पहले हमारे संयुक्त परिवार थे, दादा दादी नाना नानी बच्चा चाचा चाची सब उनके साथ सीखता था, बात करता था। अब हमारे एकाकी परिवार है, और जिसमें भी अगर हम जो पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा हैं, काम धंधे से लगे हुए हैं, तो विद्यार्थी की चिंता करने का जिम्मा का चिंता करने का आखिरी जो मुकाम है वो शिक्षक है। और आजकल जैसी तकनीक बढ़ रही है, सामाजिक जटिलताएं बढ़ रही हैं, तो नए नए तरीके के विद्यार्थी आ रहे हैं, उनकी अलग समस्याएं हैं, अलग मनोभाव हैं, और इनको हम डील करें सिर्फ कंटेंट जान के इनको पढ़ा देंगे, इनको बेहतर नागरिक बना देंगे, इनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर देंगे, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो हमको तो शिक्षक शिक्षा की पहले से ज्यादा जरूरत है, हाँ, लेकिन खाना पूरी वाली शिक्षक शिक्षा नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, जिसकी तरफ इस रिसर्च पेपर जिसका मैंने उल्लेख किया, हम सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, बेहतरीन प्रशिक्षण दें और हम उसको आगे बढ़ाएं। और भारत में भी ये है, भारत में जरूरत जितने शिक्षकों की है, हर साल उससे हम कई गुना ज्यादा प्रशिक्षित करते हैं, हमको इस पे भी सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने कोशिश की कि छोटे 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 प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने लेके आऊं, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाएं कि भाई शिक्षक शिक्षा क्या है, उसके मॉडल क्या हैं, इसकी स्टेजेस क्या हैं, अच्छे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था वाले देश क्या करते हैं, हम किस तरह बढ़ सकते हैं। बाकी तो शिक्षक शिक्षा एक बड़ा जटिल विषय है, और मैंने तो भारत में ऐसा कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, स्वतंत्रता से पहले भी और बाद में भी, जिसमें कहा गया हो कि भारत में शिक्षक शिक्षा बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है। हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पे प्रश्न चिन्ह ही उठाता रहा है। तो अब वो क्यों उठते रहे, कैसे उठते रहे, उसको जानने के लिए शिक्षक शिक्षा को समझना जरूरी है। और मेरा प्रयास ये रहा कि इस 50-55 मिनट में मैं आपके साथ इन बातों को साझा कर पाऊं। मैंने कुछ इस विषय पे कुछ लेख लिखे हैं जो प्रकाशित हुए हैं, और वो मैं आने वाले एक आध दिन में डॉक्टर सोमू सिंह को उनका लिंक दे दूंगा, और अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पे इसको प्रकाशित करते हैं और आप उनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और उससे भी कुछ शिक्षक शिक्षा के बारे में सीख सकते हैं। और मैं सिर्फ अंत में सिर्फ आपको ये कहते हुए कि हमको शिक्षक शिक्षा की स्थिति कैसी है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको कोशिश ये करनी है कि हम एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को अपना सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। ये अगर हम करते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अपने विद्यार्थियों को बढ़ाते रहेंगे, तो हम कहेंगे कि हम शिक्षक शिक्षा को सही दिशा में ले जा रहे हैं।
और डॉक्टर सोमू सिंह को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अपनी बात आप तक रखने का मौका दिया, अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दिया। और फिर अगर आगे कभी मौका मिलेगा या आप कुछ और पूछना चाहेंगे, किसी और विषय पर चर्चा करने में चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस बृहद परिवार के अभिभावक के रूप में हैं। निश्चित रूप से हम आपसे संपर्क में रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में, चूंकि हमारे साथ हमारे सह संयोजक हैं, इस सेशन के सह संयोजक और हमारी जो टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी की एक एडमिन टीम है उसके बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, आप धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है उसके डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सचिन कुमार वर्मा जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो औपचारिक रूप से मिश्रा सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। आप माइक को एक बार अनम्यूट कर लें उसके बाद। धन्यवाद सर। सोमू सर, सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी को सादर नमन करता हूं। सर, आपका जो लेक्चर रहा वो अत्यंत प्रभावपूर्ण व महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं खुद टीचर एजुकेटर हूं तो मैं समझ सकता हूं कि हाँ, जो आपने वक्तव्य दिया, जो आपने बातें बताई वो वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए तो है ही है। इसके अलावा जहाँ तक मैं समझता हूँ जिन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिन्होंने सुना, वो समझ गए होंगे कि जो शिक्षक शिक्षा है जिससे वो अभी तक परिचित नहीं है उसका कितना महत्व है। सर, मैं क्योंकि मैं तो सर आपसे परिचित हूँ क्योंकि सर मैं बीएड और एमएड दोनों में आपका छात्र रहा हूँ, मैंने तो आपके लाइव क्लासेस ली हैं। मैं जानता हूँ सर जो आपका पढ़ाने का तरीका है, जो आपके सरल उदाहरण हैं, जो भाषा शैली है सर, मतलब सारी बातें मुझे बिल्कुल रिमाइंड हो गई। आपने कबीर के दोहे या आपने एक गीत के माध्यम से चीज़ों को कनेक्ट करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। और सर, यही एक एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि वो सबसे पहले रुचि जागृत करें। सर, तो सर जो आपकी जो स्टार्टिंग थी, आपने कैसे करके हमें बताया कि जो टीचर कम्युनिटी है पूरे विश्व में, सर सर मुझे भी नहीं पता था इस बात का कि हम इतने सारे लोग हैं कि अगर एक अपना अलग देश बन सकता है। सर, तो सर आपका ये जो आह्वान था वो वास्तव में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। जो लोग धोखे से भी जो कनेक्ट हुए होंगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, डेफिनेटली सर वो फिर छोड़ के नहीं गए होंगे, उन्होंने पूरा लेक्चर सुना होगा। फिर सर इसके अलावा जो आपने जो क्वेश्चंस रखे, जो टेक्निक जो सर हम आपसे ही सीखी है सर हमने, ये हम भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं क्योंकि सर क्योंकि मैं प्योरली प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली का ही हूँ, कि हम कैसे करके अपने लेक्चर को स्टार्ट करें की रुचि जागृत करना। जैसे हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बताए जाते हैं, आपने पूरे लेक्चर्स को ही अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया और सर इतना अच्छा उन्हें आपने प्रस्तुत किया कि मैं तो सर बिल्कुल अपने आप को यहाँ से हटा ही नहीं पाया, पूरी तरह सुनता भी रहा और नोट भी करता रहा। तो जितने बच्चों ने सुना होगा साथ ही साथ जो शिक्षक जो लोग कनेक्ट होंगे उन्होंने भी डेफिनेटली सर नोट किया होगा। सर, आपने अन्य जो महत्वपूर्ण से संबंधित जो इश्यूज हैं जैसे कि शिक्षक शिक्षा क्या है, सर हम तो टीचर हैं तो हम जानते हैं, इसके अलावा आपने सर जो इसके उद्देश्य बताए कि एनसीटीई ने क्या उद्देश्य इसको डिफाइन कर रखा है कि ये केवल विद्यालय शिक्षा तक ही सीमित है। सर, ये तो मैं भी सोचता था, जो एमएससी केमिस्ट्री हमारे साथ ही आए उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री या फिजिक्स कर रखा है, डायरेक्ट नेट किया और डायरेक्ट पढ़ाने लग गए। और सर हम लोग देखिए बीएड किया, एमएड किया, नेट किया, अब पीएचडी, मतलब सर लगातार अनवरत सर, मतलब आप देख रहे हैं कि हम ट्रेनिंग के द्वारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग है एक तरीके से, हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं अभी भी, लेकिन वो केवल एक नेट निकालने के बाद ही टीचर बन गए। ऐसा हो सकता है कि उनका उद्देश्य सिविल में उनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो या सिविल में कुछ और सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन वो बाई चांस नेट निकाल के इस प्रोफेशन में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो आपने सर बात को बड़ा ही मतलब उसको रखने का प्रयास किया कि इस उस पे भी सरकार को या पॉलिसी मेकर से उनको सोचना चाहिए कि उन्हें भी आवश्यकता है कि हम उन्हें भी टीचर एजुकेशन में इंक्लूड करें। सर, आपने पेरेटन है, प्रोफेसर लिंडा है, या इसके अलावा जो विभिन्न जो आपने जर्नल्स को कोट किया वो सर, चूंकि मैं तो परिचित हूँ सर, आप
पढ़ने लिखने वाले सर, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो जॉब लिखने के बाद, जैसा आजकल का ट्रेंड है, वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं सर। लेकिन सर हम आपको देख रहे हैं, इसके अलावा और भी प्रोफेसर्स को देख रहे हैं सर, आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सर कई मैंने आपकी वर्कशॉप भी अटेंड करी है जिसमें आप एज ए रिसोर्स पर्सन हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया बातें सीखने को मिली, नई बातें समझने को मिली। आपने सोर्सेस भी बताए कि आप इस वेबसाइट पे जाके या इस जर्नल पे जाके इस चीज को देख सकते हैं, तो डेफिनेटली सर ये बताता है कि आप लगातार काम करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपने बड़े व्यवहारिक उदाहरण दिए। आपने सर टीचर्स, जो टीचर एजुकेशन है, वो टीचर्स ट्रेनिंग है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है सर, आपने सर उसको बहुत ही सरल शब्दों में सर स्पष्ट किया। क्योंकि सर अब भी हमने देखा है कि बहुत जगह जो शिक्षक शिक्षा विभाग है उसको टीचर्स ट्रेनिंग ही कोट किया जाता है, जो उसका पहला नाम था, जो एक नैरो मीनिंग देता है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और एजुकेशन में यही अंतर है, एजुकेशन बहुत वाइड है और जो ट्रेनिंग है, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी जानवर के लिए हम प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो केवल, आपने जैसे बताया, केवल स्किल्स या इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करता है। जबकि जो शिक्षा है वो एक अनवरत, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि हम एक ऐसी इंसाइट डेवलप कर पाए कि बच्चा सदैव अपने आप भी उसके प्रति प्रेरित रहे। बहुत ही साधारण शब्दों में सर आपने इसे भी बताया। और सर आपने मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन जो हैं, आपने सर उन्हें स्पष्ट किया। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कौन सा अच्छा है सर, आपने उसको बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से रखा कि कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसे हम अच्छा कहें। व्यवहारिक रूप से आपने जैसे बातों को सर रखा, क्योंकि सर आपका जो पूरा लेक्चर था वो कहीं से कहीं तक किताबी नहीं था, वो एकदम व्यवहारिकता से ओतप्रोत था। क्योंकि सर आपका प्रोफाइल मैं देख चुका हूँ, बाकी लोगों को आज पता चला होगा कि आप केवल भारत से ही संपर्क नहीं है आपका, आपकी इतनी फॉरेन विजिट्स हैं जितनी हम सपनों में भी नहीं सर सोच सकते अभी सर। इतने तो सर मैंने अभी राज्य नहीं घूमे जितने आपने देश घूम लिए हैं सर। सर आपने इसके अलावा स्टेजेस बताई टीचर एजुकेशन की। इसके अलावा सर भारत में जो शोध की जो स्थिति है सर टीचर एजुकेशन पे, सर ये वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम लोग खुद डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में हम लोग रिएटेशन बच्चों को करवाते हैं, लेकिन सर वो सब आप देखेंगे कि कैसे चल रहा है इस समय, कोई टीचर एजुकेशन वाला टॉपिक सर लाता ही नहीं है, या हम बताते हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हम पॉलिसी में भी देखते हैं कि बिल्कुल सही कहा कि टीचर एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। इसके अलावा सर आपने शोध पे बल देने के साथ साथ जो आपने शिक्षक की जो भूमिका बताई, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सर मैं भी कहीं ना कहीं, मेरा पीजी सोशियोलॉजी और इंग्लिश दो में है, तो मैं सोशियोलॉजी को भी जोड़ता हूँ। जैसा आपने कहा कि समाज का ताना माना बदला है आजकल, आने वाले समय में शिक्षा की महत्वपूर्ण होगा। अब दादा दादी नाना नानी दूर हो गए हैं, क्योंकि सर मेरी भी सर्विस लगी तो मैं अब अलीगढ़ में रहने लग गया, कभी कभी मम्मी जी आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे की ग्रोथ है कहीं ना कहीं सर जो संयुक्त परिवार है वहाँ फास्ट होती है, और जब हम न्यूक्लियर फैमिली में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फर्क पड़ता है। जब बच्चा स्कूल जाता है सर तो डेफिनेटली जो टीचर है उसका ही सबसे ज़्यादा रोल पड़ता है। माता पिता तो खैर है ही हैं, लेकिन जो शिक्षक है क्योंकि वो एक रोल मॉडल है, और सर हम देख भी रहे हैं कि शिक्षक की भूमिका बढ़ती चली आ रही है। जैसे कि कोविड आया तो काउंसलिंग में भी सर टीचर को ही लगाया गया कि बच्चे जो मानसिक रूप से तनाव में हैं या कुछ और उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका निवारण कौन कर सकता है, वो शिक्षक ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सर जो शिक्षक शिक्षा के लिए आपने जो इतना सार गर्भित, इतना प्रैक्टिकल और इतनी सरल भाषा में सर आपने जो पूरा लेक्चर समअप किया, वो टीचर्स के साथ साथ जितने प्रतिभागी बच्चे हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक रहा होगा। और सर मैं इस टीचर एजुकेशन जो आप सोमू सर की जो कम्युनिटी है सर उसकी ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर, बहुत बहुत आभार सर, पुनः आप जुड़ें और सर हमें और बच्चों को लाभान्वित करें। और इसके साथ साथ मैं सोमू सर को भी धन्यवाद देता हूँ सर, जो आपने ये जो लेक्चर सीरीज सर चलाई है, जिससे हम जो पूरी जो 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 कम्युनिटी है, जो शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो काफी लाभ ले पा रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सचिन वर्मा जी, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही अच्छे तरीके से धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आपका धन्यवाद धन्यवाद ज्ञापन ये बता रहा है कि आपने बहुत गंभीरता पूर्वक इस लेक्चर को सुना, समझा और बच्चों के सामने भी जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे रखा है। एक छोटी सी सूचना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, कार्यक्रम मतलब लेक्चर नंबर पहला। एक फीडबैक सेशन हमने फॉर्म डाला है कमेंट बॉक्स में, जो भी लोग इस सेशन से जुड़े रहे, विशेष रूप से हमारे जो
विद्यार्थी हैं वो फीडबैक सेशन में लिखें कि उन्होंने क्या क्या सीखा, इससे हमें भी लगे कि आप कितने अटेंटिवली सीख रहे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके जब आते हैं तो एक शिक्षक के नाते या शिक्षक प्रशिक्षक होने के नाते हम सभी बेहतर तरीके से आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और आप जुड़े रहें। इसके बाद हमारी इस महामना लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है आज का, उसको भी हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे और आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। वो हमारा लेक्चर 6 बजे से है, तब तक के लिए विद्यार्थी और जो भी हमारे टीचर्स या टीचर एजुकेटर्स जुड़े हैं सेशन से एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं। उस ब्रेक के बाद हम लोग 6 बजे से पुनः मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से मिश्रा सर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए आज के इस पहले लेक्चर के समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। डॉक्टर सोमू और सचिन आपका बहुत आभार कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और यही है कि आज के कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात है, सब एक दूसरे से सीखते हैं। मैं आपसे सोमू से सीखता हूँ, सचिन से सीखता हूँ, सब एक दूसरे से सीखते हैं, इसी को कहते हैं कोलैबोरेटिव। बहुत आभार। थैंक यू सर।